सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है। जिस सोयाबीन का बुवाई के समय 10,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर का दाम देखने को मिल रहा था, वही सोयाबीन अब मंडियों में आधे दाम पर भी नहीं बिक पा रही है। सरकार ने सोयाबीन की MSP 3,950 रुपए क्विंटल तय की हुई है, लेकिन किसानों को वर्तमान में इसकी MSP भी नहीं मिल रही। किसानों की सोयाबीन नीचे में 1,700 रुपए क्विंटल तक बिक रही है। सरकार के सोया खली के आयात करने के फैसले से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। सोया खली के आयात का फैसला सरकार ने तब लिया था जब सोयाबीन की आवक मंडी में 2 महीने के अंदर आने ही वाली थी। वहीं हाजिर की तरह वायदा में भी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखा जा रहा है कि सोयाबीन की कीमतों में वायदा बाजार में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। जानकारों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में कुछ तेजी बन सकती है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक आने वाले 2 से 3 हफ्तों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। NCDEX पर कीमतें 5,800 से लेकर 6,000 तक का स्तर दिखा सकती हैं। इन स्तरों को हासिल करने के लिए अमित सजेजा की निचले स्तरों पर सोयाबीन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।